बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही यम्मी डिलीशियस सी रेसिपी, जो कि है क्रीमी वाइट सॉस पास्ता। और वो भी हम इसको बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन के साथ, बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है। तो आइए भी बगैर टाइम वेस्ट किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे, तो यहाँ पर चिकन फिलेट्स लिए हैं जिनका वेट है 300 ग्राम्स। और इसमें हम जो है स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने नमक लिया है 1/4 चम्मच, काली पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे 1/4 चम्मच, कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे 1/4 चम्मच, सफ़ेद पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, और साथ ही इसमें जाएगा लेमन जूस जो कि है 1 खाने का चम्मच। ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। और इसको मैरिनेट करने के बाद आप इसके फ्रिज में रख दें कवर करके तकरीबन 1/2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। यहाँ पर जो तकरीबन 1/2 घंटा इसको गुजर चुका है, तो अब हम इसको कुक करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए एक पैन लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे बटर जो कि है 2 खाने के चम्मच। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो यहाँ पे हम अपने चिकन को इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। यहाँ जी हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि चिकन जो है वो अंदर से बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, कुक हो जाए और उस पर अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो यहाँ पर फ्लेम जो है बिल्कुल लो है। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे और मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट हम ऐसे ही कुक होने देंगे। आप चाहे तो चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काटने के बाद सेम मेथड के साथ इसको मैरिनेट करें और इस तरीके से आप इसको कुक कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिलेट्स के साथ इसको बना रही हूँ। इस तरीके से जब हमारा चिकन जो है वो फुल डन हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे, कटिंग बोर्ड पर रखेंगे और इस तरीके से हम इसके पीसेस कर लेंगे। तो यहाँ जी आप देख सकते हैं मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। अब इसको एक साइड पे रख देंगे और पास्ते के लिए अब हम सॉस तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जी एक और पैन लिया है मैंने, इसमें ऐड किया है 2 खाने के चम्मच मक्खन और इसको अब अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। जब ये मेल्ट हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा जो कि है 1 खाने का चम्मच। फ्लेम यहाँ पर आपने बिल्कुल लो रखना है। ठीक है, जिनके जो हमने पास्ता बनाना है इस पर आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। ये फ़ौरन से ड्राई हो जाता है, ठीक हो जाता है। जैसे ही मैदा ऐड करेंगे फ्लेम यहाँ पे हमारा बिल्कुल लो है, तो इसको इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, कोई लम्स ना रहे। ठीक है, ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दूध। ठीक है, 1 कप दूध ऐड करना है हमने इसके अंदर। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 कप क्रीम। तो क्रीम यहाँ पर जो है वो फ्रेश क्रीम है, टेट्रा पैक जो सिंपल आप बाय करते हैं क्रीम, वही क्रीम इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 कप क्रीम ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, फ्लेम यहाँ पे आपका बिल्कुल लो होना चाहिए। इस तरीके से जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये एक सॉस की फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले जी हम इसमें ऐड करेंगे नमक जो हमने लिया है 1/2 चाय का चम्मच। और यहाँ पे आप इसको हंसपे ज़रूरत टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे जी गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद पीसी हुई मिर्च ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच, काली पीसी हुई मिर्च ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच, और साथ ही जाएगा ओरिगैनो जो कि मैंने लिया है 1/2 चाय का चम्मच। बस यही स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे और इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो फ्लेम हमारा यहाँ पे बिल्कुल लो है। जैसे इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं, अच्छे से ये मिक्स हो जाए, तो हम इसमें फिर ऐड करेंगे चीज़। ठीक है, मोज़रेला चीज़ ले लें, आप चेडर चीज़ ले लें, जितनी मर्ज़ी, मतलब आप जो भी कंपनी के यूज़ करना चाहते हैं, चाहे आप 50 ग्राम्स ले लें, 100 ग्राम्स ले लें, 150 ग्राम्स ले लें। तो मेरे पास तकरीबन ये 100 ग्राम से मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस पड़े हुए हैं, 4 स्लाइसेस हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अपने फ्लेवर के हिसाब से इसमें चीज़ कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छे से बस ये मिक्स आपने करना है इसको। जैसे चीज़ मेल्ट हो जाती है तो यहाँ पे हमारे ये सॉस तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे आपने अपने सॉस की जो है ना थिकनेस देख लेनी है कि आपने इसको किस तरह का थिक रखना है। उस हिसाब से अगर आपको ये थोड़ा सा थिक लगता है, गाढ़ा लगता है, तो आप इसमें थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर लें, इसकी थिकनेस कम कर लें। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सॉस जो है वो पसंद करते हैं। तो यहाँ जी मुझे अपने सॉस की जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अब इस स्टेज पे आके जी ऐड कर देंगे इसमें पास्ता। तो यहाँ पे मैंने जी पैनी पास्ता लिया है जो कि है 200 ग्राम्स। इसको मैंने बॉयलिंग वाटर में ऐड करने के बाद इसको सिर्फ 7 से 8 मिनट मैंने इसको बॉयल किया है। उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था और हल्का सा इसको ऑयल लगा दिया था। ठीक है, इस तरीके से आप पहले से रेडी करके रख लें और उसके बाद जैसे ही आपकी सॉस तैयार हो जाती है, चिकन तैयार हो जाता है, तो आप इसमें ये ऐड करके इसको कवर कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लेम जो है बिल्कुल लो ही है, मैंने अभी भी इसको मीडियम फ्लेम पर नहीं कुक होने दिया क्योंकि ये फ़ौरन से जो सॉस है ना ये थिक हो जाती है, फ़ौरन से ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया।
अब यहाँ पे जी मैंने इसको कवर कर दिया है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं कवर हटाने के बाद इसे बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये जो हमारा पास्ता है ये भी गर्म हो गया है और पास्ता जो है सॉस के अंदर अच्छे से कुक भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बहुत ही क्रीमी मज़े का वाइट सॉस पास्ता जो है तैयार है। तो यहाँ जी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसको डिश आउट किया और इसके ऊपर अब चिकन के जो पीसीज हैं, जो फिलेट्स हैं, वो हम इसके ऊपर रख देंगे। प्रोसेस को हम फ्रेश कोरिएंडर के साथ इसको गार्निश करेंगे और गरम गरम इसको सर्व कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस सा ये हमारा क्रीमी चिकन सॉस पास्ता अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ जी आप देख सकती हैं कितने कम टाइम में बिल्कुल ईजीली आप ये क्रीमी वाइट सॉस पास्ता बना के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।